नमस्कार दोस्तों, एक नई व्लॉग पे आपका फिर से स्वागत है। और यहाँ बगल में आपको एक ट्रेन दिख रही होगी। ये वीडियो मेरा रेल व्लॉग होने वाला है और मैं अभी हूँ चापा रेलवे स्टेशन में। तो मेरी ट्रेन है वो उसलापुर से है, सारनाथ एक्सप्रेस से मैं इलाहाबाद जाने वाला हूँ दोस्तों। और अभी मैं चापा रेलवे स्टेशन पर हूँ। तो यहाँ से बिलासपुर तक का जो सफ़र है वो मैं शिवनाथ एक्सप्रेस से कम्प्लीट करने वाला हूँ, जो कि कोरबा से चल के आती है। कोरबा नागपुर शिवनाथ एक्सप्रेस जो कि कोरबा से बिलासपुर तक पैसेंजर बनकर जाती है, उस पर मैं जाने वाला हूँ बिलासपुर तक। बिलासपुर से फिर देखते हैं, उसलापुर के लिए कुछ ऑटो वगैरह बुक करके जाना पड़ेगा। और सारनाथ एक्सप्रेस उसलापुर से दोस्तों 11:30 के आसपास में है। तो ये रेल ब्लॉक होने वाला है दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। आगे देखते हैं, इस जर्नी को एंजॉय करते हैं प्रयागराज तक का दोस्तों। शाम के 7 बज रहे हैं दोस्तों और हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ चापा रेलवे स्टेशन में। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी शिवनाथ एक्सप्रेस आ चुकी है। अब हम इससे ट्रैवल करने वाले हैं, 5 मिनट का स्टॉपेज है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ गई है शिवनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चापा रेलवे स्टेशन में। और यहाँ से हम बैठ के जाने वाले हैं बिलासपुर, और ये बिलासपुर तक पैसेंजर बन के जाएगी दोस्तों। तो किसी भी डिब्बे में हम बैठ सकते हैं। जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहीं पर एसी कंपार्टमेंट है, थोड़ा सा यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ। आज तो यहाँ गेट भी बंद है, हो सकता है यहाँ से ना बने। मैं जाना भी नहीं चाहता एक्चुअली, जहाँ बैठा हूँ वहीं भी बैठना चाहता हूँ और बिलासपुर स्टेशन उतरना चाहता हूँ दोस्तों। अब थोड़ा अंधेरा हो चुका है दोस्तों, हमारी ट्रेन नैला रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। 2 मिनट का यहां स्टॉपेज है इस ट्रेन का, और यहां से निकलकर यह ट्रेन अकलतरा होते हुए बिलासपुर जाएगी दोस्तों। ये अकलतरा रेलवे स्टेशन है, एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहां पर बगल में खड़ी हुई है। ये दूर से दिखाई नहीं दे रहा है कौन सा ट्रेन है, अभी पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको इस ट्रेन के बारे में नहीं बता पाऊँगा, बस इस ट्रेन का नज़ारा हम देख सकते हैं, इस ट्रेन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। चापा से बिलासपुर तक का जो सफ़र है वो हमारा लगभग 45 मिनट का है दोस्तों। और हमारी ट्रेन अब इंटर कर चुकी है बिलासपुर जंक्शन में। ये बिलासपुर स्टेशन है दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है दोस्तों। आप आसपास चहल पहल देख सकते हैं यात्रियों का, थोड़ा सा और आगे आएंगे तो भीड़ भी देखने को मिलेगा। लगभग 9 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन शिवनाथ एक्सप्रेस पहुँच गई है दोस्तों। और ये बिलासपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर जा रहा हूँ, वहाँ से निकल जाऊँगा और ऑटो पकड़ के सीधे उसलापुर रेलवे स्टेशन, क्योंकि सारनाथ एक्सप्रेस जो कि दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस है वो आजकल बिलासपुर आती नहीं है, सीधा उसलापुर होके बाईपास निकल जाती है। तो फंस गया, अब जाना तो पड़ेगा बिलासपुर से उसलापुर, हमें रात को जाना पड़ रहा है दोस्तों। एस्केलेटर से नीचे उतर रहा हूँ, ये अच्छी सुविधा दे दी गई है थोड़ा बिलासपुर में दोस्तों। एक जनरल टिकट लिया हूँ क्योंकि मेरा रिजर्वेशन नहीं है प्रयागराज के लिए, और 200 रुपये किराया यहाँ उसलापुर से प्रयागराज का। वैसे तो लिखा है 185 है, पर इन लोग 200 ले लिए और 10 रुपये बहुत मुश्किल से वापस किए मेरे को, 5 रुपये तो वापस भी नहीं किए। ये बहुत बड़ा एक करप्शन यहाँ भी चल रहा है दोस्तों। और ये है आशु, हाय बोल दे। तो साथ में हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज, और ये उसलापुर का रेलवे स्टेशन है, बिलासपुर का सब रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं आप। यहाँ से अंदर एंट्री गेट है और टिकट काउंटर या रिजर्वेशन काउंटर जो बनाया गया है वो भी बाहर बनाया गया है, आउटर में थोड़ा सा पीछे साइड है। तो ये उसलापुर रेलवे स्टेशन है दोस्तों, स्टेशन ठीक ठाक है, अच्छा भी बोल सकते हैं। अब ये बिलासपुर का सब स्टेशन है तो अच्छा तो होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी ट्रेनें इस रूट से चलती है दोस्तों। कुछ ट्रेनें जो बिलासपुर में जाकर रुकती थी अब वो भी बाईपास उसलापुर से होकर चली जाती हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 में जाने के लिए आपको यहाँ लिफ्ट का भी सुविधा मिल जाएगा। और यहाँ से बाहर 11:15 में हमारी सारनाथ एक्सप्रेस है, लगभग हो गया टाइम। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में ही सारनाथ एक्सप्रेस यहाँ आती है दोस्तों। उसलापुर को आप किसी मेजर रेलवे स्टेशन की तरह लेकर मत चलना, यहाँ बहुत सारी असुविधाएं आपको हो सकती है। अगर आपको खाना चाहिए होगा या नाश्ता चाहिए होगा तो टाइम पे मिलेगा नहीं, वैसे रात को मिलता भी नहीं है। अगर आपको खाना खाना है तो आपको 1.5 किलोमीटर आगे, मतलब उसलापुर से आगे जाना पड़ेगा बिलासपुर की ओर, वहाँ
जो चौक है उसलापुर रेलवे स्टेशन से आगे, वहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा। लेकिन रेलवे स्टेशन में आपको खाना यहाँ पर थोड़ा मिलते हुए कम दिखाई देता है, नाश्ता वगैरह करके ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं दोस्तों, हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ट्रेनें यहाँ आई और अपने पैसेंजर को उनके गंतव्य स्थान पर लेकर चली गई दोस्तों। और रात को 11:30 बजे हमारी ट्रेन है, और ये देखिए अब हमारी ट्रेन भी आ गई है, सारनाथ एक्सप्रेस, जो कि दुर्ग से छपरा तक की दूरी तय करती है दोस्तों। हमारा भी इस ट्रेन में 12 घंटों का सफ़र है, अब ट्रेन में सवार हो जाते हैं दोस्तों। तो भाई पिछली बार जैसा हालत हो गया मेरा, और यहाँ अभी तक किटी से मुलाकात नहीं हुई है, मुझे सीट कंफर्म सीट मुझे अभी नहीं मिल पाई है, तो देख रहा हूँ आगे क्या होता है। अभी मैं B8 बोगी में आ गया हूँ, मैं जानबूझकर AC बोगी तरफ आ गया हूँ, जबकि मेरे पास अब केवल अभी जनरल टिकट ही है, बनवाने के चक्कर में यहाँ आया हूँ, पर शायद स्लीपर का ही बनवाऊँ। दोस्तों इस ट्रेन में सुबह हो चुकी है, वैसे रात का तो वीडियो मैं बना नहीं पाया, ब्लॉग में कुछ ले नहीं पाया, सीधा चढ़ा फिर अपना एडजस्टमेंट में लगा हुआ था। फाइनली मुझे सीट मिली, थर्ड AC में मुझे सीट मिली, B7 में। टीटी भाई साहब ने बढ़िया टिकट बना दिया मेरे लिए, स्लीपर के रेंज में ही कुछ पैसा मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ा, और थर्ड AC का लुक उठाते हुए मैं इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। तो अभी ये सारनाथ एक्सप्रेस है वो कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है दोस्तों, और ये बीच बीच में आउटर में रुकते हुए जा रहा है, छोटी स्टेशन में भी रुक गया है कटनी से पहले, शायद इसे क्लियरेंस नहीं मिल रही होगी, लाइन क्लियर नहीं हो पा रहा है इस ट्रेन का। अभी मॉर्निंग का टाइम है, कटनी हम पहुँचेंगे दोस्तों, और ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सुबह मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, अभी सन भी राइज नहीं हुआ है ठीक से, मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों रात को तो मैं सोता रह गया, और इस रूट का जैसे पेंड्रा रोड हो गया, अनूपपुर हो गया, रेलवे स्टेशन, ये सब रेलवे स्टेशनों का मैं ब्लॉग बना चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में, इसलिए मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिखा रहा था इस रूट के स्टेशनों को, जैसे कि पेंड्रा रोड हो गया, अनूपपुर हो गया, ये सब स्टेशनों की ब्लॉग वीडियो मैं अपनी पुरानी वीडियो पर दिखा चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो पे उन स्टेशनों को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब सीधे मैं कटनी स्टेशन से इस ब्लॉग को कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट के लिए कटनी रेलवे स्टेशन। दोस्तों आपने मुझे पहले नर्मदा एक्सप्रेस वाले ब्लॉग में देखा होगा, जिसमें मैं कटनी से भोपाल और उज्जैन की ओर चला जाता हूँ, लेकिन इस बार हम इस रूट से कटनी होते हुए मैहर, सतना और प्रयागराज तक की दूरी तय करेंगे दोस्तों इस सारनाथ एक्सप्रेस से, जिसके कारण कटनी जंक्शन एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है इस एरिया का। और कटनी हम पहुंचने वाले ही हैं दोस्तों, अब ज़्यादा दूर नहीं है, ये आउटर इसे बोल सकते हैं कटनी रेलवे स्टेशन का, क्योंकि यहाँ 3 कटनी रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं दोस्तों। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो सारनाथ एक्सप्रेस है यह मुख्य कटनी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, जो सबसे बड़ी है। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ कटनी रेलवे स्टेशन में, और मेरी पिछली वीडियो पे आपने देखा होगा उज्जैन ब्लॉग में, जो रेल ब्लॉग मैंने बनाया था आपने देखा होगा, कटनी के 3 रेलवे स्टेशन हैं, तो ये मुख्य रेलवे स्टेशन है, ये कटनी जंक्शन है, और इसके अतिरिक्त कटनी साउथ और न्यू कटनी रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है, सब रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं कटनी का। और कटनी में सारनाथ एक्सप्रेस को 10 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है, एक ट्रेन और खड़ी हुई है इस तरफ, सूरत भुसावल कटनी एक्सप्रेस, अभी कौन सी एक्सप्रेस है पता नहीं चल रही है, इस रूट में मैं ज़्यादा आना जाना नहीं करता हूँ। अच्छा माहौल है रेलवे स्टेशन का मॉर्निंग में, MP में उतना खास रेलवे स्टेशन पसंद नहीं आता मुझे, लेकिन कटनी ठीक है, जबलपुर भी अच्छी रेलवे स्टेशन, बहुत अच्छी है जबलपुर, और कटनी भी ठीक ठाक रेलवे स्टेशन है, बाकी कहीं भी MP के बड़े स्टेशनों पे चले जाएँ, बड़े ज़िलों पे चले जाएँ, अच्छा रेलवे स्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इटारसी वगैरह मैं देखा हूँ, बहुत बेकार रेलवे स्टेशन लगता है। एक भोपाल रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा है MP में, उज्जैन एवरेज है, उज्जैन तो महाकालेश्वर के लिए जाना जाता है, पर रेलवे स्टेशन अच्छा भी है, उतना खास भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत ठीक ठाक है वो भी। दोस्तों 20
57 बर्थ पे, मेरा सीट नंबर है 56, पर क्या करूँ, एक भाई साहब नीचे लेटे हुए हैं। मॉर्निंग हो गया तो मॉर्निंग के टाइम में ऊपर अब लेटना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर खाली है इसलिए यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ। अच्छा व्यू है यहाँ का। अब हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत वादियों की ओर आगे बढ़ने वाली है। आगे आने वाले स्टेशनों में मैहर और सतना रेलवे स्टेशन है, जिसे मैं इस ब्लॉग वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और आज मौसम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो अभी सुबह का टाइम है तो सूर्यदेव अभी ज़्यादा तेज़ नहीं हुए हैं, और थोड़ा सा बरसात जैसा भी माहौल है। हल्की सी बूंदाबांदी हुई है लेकिन ज़्यादा पानी तो गिरा नहीं है, और बादल भी छाया हुआ था, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ के नज़ारे आज। दोस्तों, जब हम मैहर रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंचते हैं तो इतनी खूबसूरत वादियां देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में कि आप सोच में पड़ जाओगे, देखते ही रह जाओगे। आपको इतना ज़्यादा सुकून महसूस होगा इस रास्ते पर चलने पर और यहाँ के नज़ारों को देखने पर। अब इस विषय पर मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही इस रूट पर ट्रैवल करें, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पड़ा है अमदरा करके, एक या डेढ़ मिनट यहाँ स्टॉपेज था, फिर हमारी ट्रेन आगे निकल गई। दोस्तों, ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है भदनपुर नाम का, और इसके बाद मैहर रेलवे स्टेशन आता है जहाँ की पहाड़ियों में शारदा मैया विराजित है दोस्तों। तो जब भी आपको मैहर आना होगा तो इस ट्रेन से भी आप आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेन है जो आपको 7:30 तक पहुँचा देती है। वैसे मैहर में इसका टाइम 7:15 के आसपास है इस ट्रेन का, सारनाथ एक्सप्रेस का, लेकिन आज लेट हो चुका है, लगभग 7:45 होने वाला है। दोस्तों, इन्हीं पहाड़ों पर विराजित है माँ शारदा, और मैहर रेलवे स्टेशन बहुत ही नज़दीक है यहाँ से। आपको रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है और यहाँ से आपको आगे की दूरी तय करना पड़ता है। दोस्तों, मैहर से आगे सतना रेलवे स्टेशन है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं मैहर तक और माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ट्रेनें हैं जो यहाँ रुकती नहीं हैं, कुछ ट्रेनें हैं जो रुकती हैं। तो ये है दोस्तों मैहर रेलवे स्टेशन, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन यहाँ स्टॉप होने वाली है। ये दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ 3 प्लेटफॉर्म ही दिख रही है मैहर रेलवे स्टेशन में। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर देखते हैं तो आपको इस भीड़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सुबह की पहली ट्रेन हो सकती है यहाँ की। हो सकता है इससे पहले भी कोई ट्रेन रही होगी, पर भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे पैसेंजर चढ़ते हैं, या हो सके तो इसके बाद कोई पीछे पैसेंजर ट्रेन या लोकल ट्रेन भी आ रही होगी,
बिल्कुल। तो ये है दोस्तों मैहर रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन रुकी हुई है। मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट ही यहाँ का स्टॉपेज दिया गया है, फिर ये ट्रेन निकल जाएगी। तो जब भी आपको दर्शन करने आना होगा तो सारनाथ एक्सप्रेस आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, अगर आप बिलासपुर साइड से आते हैं तो। अच्छा है, रेलवे स्टेशन भी काफ़ी सुंदर है। उस साइड मैं अभी जाना नहीं चाहता क्योंकि ट्रेन निकल जाएगी, इसलिए मैं अपने ट्रेन पर ही चढ़ जाता हूँ। अब जो हमारी सारनाथ एक्सप्रेस है वो सतना रेलवे स्टेशन पहुंच गई है दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकने वाली है। आज ज़्यादातर ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही रुक रही है। दोस्तों लगभग 8:30 हो गया है सुबह का और सतना रेलवे स्टेशन पहुंच गई है सारनाथ एक्सप्रेस। 5 मिनट के स्टॉपेज है यहाँ। चलिए अब थोड़ा कुछ खाने का मैं भी व्यवस्था कर लूँ, अपना भूख लग रहा है। सतना रेलवे स्टेशन के बाद इस रूट पर प्रयागराज तक कोई बड़ी रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तों, और ज़्यादा दूर नहीं है, हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। कुछ छोटी छोटी रेलवे स्टेशंस हैं जिसे पार करते हुए ये ट्रेन आगे बढ़ रही है, रुकेगी तो नहीं हर जगह ये, और फिर कुछ समय बाद हम प्रयागराज पहुँच जाएँगे। इसके बाद इस रूट पर एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है नैनी, और ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। ये प्रयागराज का एक सब स्टेशन भी है। गंगा मैया में अस्थि विसर्जन के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो नैनी रेलवे स्टेशन भी उतर सकते हैं। नैनी रेलवे स्टेशन की दिशा से आपको गंगा नदी पास पड़ती है, जबकि प्रयागराज की तरफ से आप जाएँगे तो आपको यमुना नदी पास पड़ती है। पर यहाँ काम करने वाले जो भी नाविक हैं वो आपको संगम तक लेकर चले जाएंगे आपके अस्थि विसर्जन के लिए। तो आप चाहें तो कहीं से भी जा सकते हैं, चाहे नैनी से जाएं, चाहे प्रयागराज से जाएं। वैसे तो सारनाथ एक्सप्रेस का स्टॉपेज नैनी रेलवे स्टेशन पर केवल 2 मिनट का है, पर यहाँ पता नहीं क्या राजनीति होता है कि यहाँ लगभग 10 से 15 मिनट तक ये ट्रेन रुकी रहती है, और बहुत सारे पंडा लोगों के एजेंट यहाँ चढ़ जाते हैं और आपको उत्साहित करते हैं कि आप हमारे पंडा के पास चलें करके। और ये ट्रेन अब आगे निकल गई है दोस्तों, हम प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले हमें यहाँ गंगा मैया का दर्शन होगा दोस्तों। ये देखिए, ये पुल से देखिए हम गंगा मैया का दर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें यमुना मैया भी प्रवाहित होती हैं। ये संगम है दोस्तों गंगा मैया और यमुना मैया का, और पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें सरस्वती माता भी विराजित हैं, जो कि अदृश्य रूप में विराजित हैं ऐसा मान्यता है। सरस्वती नदी अब सूख चुकी है ऐसा कहते हैं, पर अदृश्य रूप से यहाँ भी आज भी सरस्वती माता विराजित हैं ऐसा माना जाता है। इसलिए ये जो संगम है वो गंगा यमुना और सरस्वती माता का संगम माना जाता है दोस्तों। यहाँ एक तरफ के बोर्ड में अगर देखेंगे आप तो गंगा लिखा हुआ है, दूसरी तरफ के बोर्ड में हम देखते हैं तो यमुना लिखा हुआ मिलता है। तो ये संगम है दोस्तों, देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें प्रयागराज शहर के नज़ारे भी देखने को मिलेगा दोस्तों। कुछ यहाँ आपको आ रहे हैं, और एक रूट दिल्ली की ओर गई है। उत्तर प्रदेश राज्य की एक बहुत ही बड़ी रेलवे स्टेशन है प्रयागराज, और बहुत ही पुरानी रेलवे स्टेशन भी है दोस्तों। इसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, हम सभी जानते हैं, आजकल इसे प्रयागराज नाम दे दिया गया है। ये आउटर एरिया है दोस्तों प्रयागराज रेलवे स्टेशन का। ट्रेन अब स्लो हो चुकी है, अपने प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही है। कुछ ही मिनटों में हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर होंगे दोस्तों 12 बज गया है और हमारी ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन में पहुंच चुकी है। मैं उतर गया हूं और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ हूं। काफ़ी भीड़ है, माहौल भी काफ़ी ख़तरनाक है यहां पंडा लोगों का। यहां से आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं दोस्तों। यहां टोटल 10 प्लेटफॉर्म हैं, और हम चले गंगा स्नान करने।
एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।